तो हेलो गाइस, आपने वाइट टेबल 4 के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वाइट टेबल 4 हैक यूज करता है या नहीं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो गाइस, बात ऐसी है, यूट्यूब पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसे रेडॉक्स FF ने अपने चैनल पे अपलोड किया था। उन्होंने बताया था कि वाइट ने इस वीडियो में हैक यूज किया है और वो पीछे दिख भी रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसी चैनल पे एक और वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें उन्होंने खुद बताया कि वाइट हैक यूज नहीं करता है। यदि वो हैक यूज नहीं करता है तो फिर उसकी वीडियो में वो पीछे क्या दिखाता। तो गाइस, जो हमारी ये बनी ड्रेस है, वाइट अपनी इस बनी ड्रेस का हैक यूज करता है, जिसमें वो अपनी बनी ड्रेस का कलर चेंज करके ब्लैक कर लेता है। और ड्रेस का ग्लिच यूज करना मीना सर्वर में लीगल माना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या रीजन था जिससे वाइट की आईडी बैन हो गई? तो मेन रीजन वाइट की आईडी बैन होने का नोब्रू है। यदि आप नोब्रू को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, नोब्रू फ्री फायर के पार्टनरशिप प्रोग्राम में है और नोब्रू ने फ्री फायर के सारे टूर्नामेंट जीते हुए हैं और नोब्रू के इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। तो गाइस, हुआ कुछ ऐसा था कि वाइट मीना सर्वर में नोब्रू के साथ 1v1 करने गया था, जिसमें वाइट ने नोब्रू को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, वो भी 7-0 से। उसके बाद वाइट ने वही गेम प्ले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था, जिसमें मिलियंस में व्यूज आ गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद नोब्रू को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। इसके बाद गेरेना ने वाइट ट्रिपल फोर से इस वीडियो को यूट्यूब से रिमूव करने को कहा, लेकिन वाइट ने इस वीडियो को यूट्यूब से रिमूव नहीं किया। इसी पर फ्री फायर ने एक्शन लिया और वाइट की आईडी को बैन कर दिया। तो आपको भी मैं वो वीडियो दिखा दूं जिसकी वजह से वाइट की आईडी बैन हो गई, जिसमें एंड में नोब्रू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उसके पहले, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। Thank you.
तो गाइस ये वही वाली वीडियो है जिसमें व्हाइट ने नोबरू को 7-0 से हरा था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।